तस्करा करेंगे, सिख मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है? सिख मजहब वजूद में आया 15वीं सदी के आखिरी में, और इसके बानी थे गुरु नानक साहब, और ये शुरू हुआ एक ऐसे इलाके में जो पांच नदियों का इलाका था और कहा जाता था पंजाब, जो मौजूद है पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और गुरु नानक साहब जो इसके बानी हैं, वो पैदा हुए थे हिंदू धर्म में, और उनका कास्ट एक चीज में यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं, वो पैदा हुए थे हिंदू धर्म में, बट ही वॉज नॉट हिंदू, है ना, ये बात क्लियर है। मतलब वो ठीक कह रहे हैं कि वो पैदा हुए थे एक हिंदू परिवार में, बट ही वॉज नॉट हिंदू। उसके बाद से उन्होंने सिखिज्म स्टार्ट कर दिया। मतलब वो आप जैसे कह लो कि उनको बचपन से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति थी, है ना, मतलब इट्स लाइक मोर इन स्पिरिचुअल। तो वो अगर जो भी उस टाइम में कुरीतियां थी उनका पहले से खंडन करते थे। He was born in Hindu धर्म, but he was not Hindu. था क्षत्रिय कास्ट, जिसे कहते हैं वॉरियर कास्ट, वॉरियर कास्ट। और गुरु नानक काफी मुतासिर थे मुसलमानों से। ये सिख मजहब तादाद में दुनिया में छठे नंबर पे आता है, और कई विद्वान कहते हैं कि ये सिखिज्म सिख मजहब एक हिंदू मजहब की शाख है। नहीं, ये गलत है। और सिखिज्म सिख मजहब आता है लफ्ज सिसिया से, जिसके मानी है स्टूडेंट, फॉलोअर, डिसाइपल, जिसके मानी है तालिब, जिसके मानी है मानने वाला, सीखने वाला। और ये सिख मजहब 10 गुरुओं का मजहब है। सबसे पहले गुरु जो बानी है गुरु नानक साहब, और 10वें गुरु है गुरु गोविंद साहब। और इस मजहब की किताब को कहते हैं आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। सबसे पहला क है केश, अनकट है, अनकट बाल नहीं काटना चाहिए। दूसरा क है कंगा, यानी कंगी, जिससे बाल साफ किया जा सकता है। तीसरा क है कड़ा, मेटल ब्रेसलेट, मेटल का कड़ा। चौथा क है कृपाण, डैगर, चाकू, जो अपनी हिफाजत की रखना चाहिए। और पांचवा क है कचा, जिसे कहते लॉन्ग अंडर ड्रॉ। ये पांच क हर सिख को इसका पालन करना चाहिए। और अगर आप कोई सिख से पूछेंगे कि आपके मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है, तो सबसे बेहतरीन जवाब अगर कोई सिख दे सकेगा वो है उसकी मजहब की किताब गुरु ग्रंथ साहिब के पहले वॉल्यूम, पहला अध्याय, पहला मंत्र, जिसे कहते हैं जापू जी, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्स कॉल्ड एज जापू जी, जिसमें लिखा है कि खुदा एक है और उसे कहा जाता है सच्चा, महान, जो कभी भी नहीं घबराता, और उसे वो लाफानी है, वो पैदा नहीं हुआ है, ना किसी को जन्म देता है, वो दयालु है। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है। सिख एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसे अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है एक ओंकारा। आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, ओंकारा के कई सिफात है। ओंकार इस ईश्वर को कहा जाता है अकल, अकाल माने इटर्नल, माने लाफानी। उसे कहा जाता है करतार, मतलब क्रिएटर, मतलब खालिक। उसे कहा जाता है सत्यनामा, सत्यनाम इसके मानी होली नेम, इसके मानी पाक नाम। उसे कहा जाता है तो परवरदिगार, पढ़ते हो तो आप उसको ऐसे ही रीड कर पाते हो ना? मतलब चेरिशर, मतलब पालने वाला। उसे कहा जाता है साहिब, मतलब लॉर्ड, मतलब रब। उसे कहा जाता है रहीम, मतलब मर्सीफुल, मतलब रहमत वाला। उसे कहा जाता है करीम, मतलब बेनिफिशियंट, मतलब कर्म वाला। उसे कहा जाता है वाहे गुरु, वन ट्रू लॉर्ड, एक ईश्वर, एक सच्चा ईश्वर, एक सच्चा खुदा। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है, और सिख मजहब में
अवतार वदा का भी फलसफा नहीं है, नहीं कि खुदा अवतार लेते हैं इंसान बनते हैं, ये फलसफा नहीं है। और गुरु नानक साहेब वो काफी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमिरन न सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। यह लिखा है कुरान मजीद में सूरह अज़ुमर में सूरह नंबर 39 आयत नंबर 8 में कि जब इंसान को तकलीफ आती है तो रब से दुआ करता है, अल्लाह सुबहाना व तआला से दुआ करता है, लेकिन जब अल्लाह सुबहाना व तआला उसकी तकलीफ को दूर करता है तो इंसान रब को भूल जाता है और रब के साथ दूसरे को शरीक करता है। जब हम सिख मजहब की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिख मजहब में भी लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए और उस ईश्वर की, उस खुदा की कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं और सिर्फ उस अल्हम्दुलिल्लाह।